सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में विधानसभा चुनाव में प्रयोग होने वाले वाहनों के वाहन स्वामियों के साथ बैठक सकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 को संपन्न कराने के लिए जनपद के वाहन मालिकों के साथ बैठक की गई है, जिसमें प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारी, ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल रहे तथा सभी लोगों को चुनाव में वाहन की डिमांड बता दी गई है तथा वाहन का जो भी निर्धारित शुल्क होगा निर्वाचन आयोग द्वारा भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में वाहन मालिकों को यह भी बता दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराया जाएगा तथा बस में कोविड नियमों का पालन करते हुए बैठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में 2500 वाहनों को अधिग्रहित कर उन्हें चुनाव कार्य हेतु भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, समझता हूं कि अधिकांश लोग उपस्थित ही हैं, अभी आ रहे हैं, और इस मीटिंग का उद्देश्य यही है कि हमारे जो स्कूल वाहने हैं वो चुनाव में समय से 27 तारीख की शाम से उनकी प्रायोरिटी में होंगे जो आपको कराना होगा। तो इसलिए जितने भी स्कूल के प्रबंधक या प्रधानाचार्य लोग उपस्थित हैं या जो नहीं आए सही समय से पहले, चूंकि अपने चुस्त दुरुस्त रहे उनकी सेवा जिससे सही समय पर ली जा सके, मैं अपने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में आपको जल्दी में हो, अभी मुझे वीआईपी प्रोग्राम जाना है। मोटी मोटी बात आपको एआरटीओ साहब और सप्लाई इंस्पेक्टर अरुण जी हैं, सब बता देंगे आपको क्या क्या इशूज हैं। कहना ये कि 3 तारीख को डेट आपको पता ही होगी, 3 मार्च यहाँ पे डेट है, तो अभी पर्याप्त समय है हमारे पास, लगभग 1.5 महीने का समय है। तो इस समय आपकी जो कमियां हैं बसों में वो कमियां पूरी करा लीजिए, और हमारे वाहन की जो डिमांड है वो डिमांड आपको भी एआरटीओ साहब डिटेल में बता देंगे क्या डिमांड है हमारी। इससे पहले हमारी बैठक हो चुकी है प्राइवेट बस एसोसिएशन वालों के साथ, एसोसिएशन सब में बैठक हो चुकी है, तो फिर आपसे बैठक करनी थी। आप लोग हर चुनाव में अच्छी व्यवस्था करते आ रहे हैं, कोई समस्या कभी भी नहीं आई है, तो जो भी समस्याएं अभी गाड़ियों में होंगी, फिटनेस आरसी या जो भी ऐसा इशू रहेगा वो इन समय में आप अपना पूरा करा लीजिए। आप इसके अलावा जो इलेक्ट्रिशियन हमसे मांगेंगे हम उस पर विचार कर लेंगे, हम बिल्कुल ओपन है, कोई इशू नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 27 तारीख की रात से भी, अभी डिटेल आपको बताया जाएगा, उस रात से हमें एनरोलमेंट चाहिए बसों का, तो वो आप जरूर करा दीजिएगा। एक जो अंतिम बात मैं बताना चाहता हूँ, जो हर बार एक मुद्दा फंसता है, आप लोग बताते भी होंगे कि पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट लेट, जैसे ही हमें अपना ये बस देखिए बिल देंगे हम तत्काली बजट डिमांड करके आपको पेमेंट करा देंगे। इससे पहले भी हमने जो 2 प्रोग्राम्स भी हर चुनाव में जल्दी जल्दी हुए हैं तो आप आ दिए, उसमें से 1-2 लोग, कुछ लोग का 5 लोग का फंसा होगा पेमेंट अगर इनके, कि आप लोग पूरा इसमें सहयोग करेंगे। अगर कोई इश्यूज होंगे तो आप अभी एआरटीओ साहब बैठे हैं और बाकी हमारी टीम आ रही है, आप उनसे बता दें। तो सभी को मेरे स्वागत है, अच्छे से हम लोग पूरा चुनाव कराएंगे, मैं ही आपका पूरी तरह से वाहन का प्रभारी हूँ पूरे चुनाव में, जितने भी वाहन लगेंगे। यहाँ तो दूसरे जिलों का इशू नहीं है, क्योंकि कई जिले इस मंडल के आसपास के सब एक ही दिन सबका चुनाव पड़ रहा है, तो मुझे तो कोई इशू भी नहीं है। उसके बारे में आपको अभी डिटेल में बता देंगे क्या गाइडलाइन सही है, कहाँ की बसें और कहाँ की ट्रकें कहाँ यूज होंगी वो आपको बता दिया जाएगा। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया से होगा। धन्यवाद। देखिए गाइडलाइंस के हिसाब से छोटे वाहन, बड़े वाहन, ट्रक्स और बसेस मिला के लगभग 2 से 2500 वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये इनको डिटेल अलग से दे दी जाएगी और इतनी व्यवस्था पर्याप्त है।